सुप्रभातम। अभी तक हम लोगों ने कारक प्रकरण के अंतर्गत कारक का परिभाषा, उदाहरण और कारक के पांच भेद तक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और आपादान, इन पांचों भेदों का परिभाषा सूत्र और विभक्ति सूत्र का अध्ययन किया। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संबंध कारक का अध्ययन करेंगे, जिसमें षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध कारक कहते किसे हैं? कर्ता का जिससे संबंध बताया जाए, संबंध कारक का परिभाषा लिखना हो तो हम लिखेंगे कि कर्ता का जिससे संबंध बताया जाता है उसे ही हम संबंध कारक कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि कारक के छह भेद ही होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण। संबंध और संबोधन को संस्कृत व्याकरण में कारक के भेदों में नहीं रखा गया है, फिर भी अनुवाद बनाने की सुविधा के लिए हम इस संबंध कारक का अध्ययन करते हैं। और हम लोगों ने जाना, क्या जाना, कि कर्ता का जिससे संबंध बताया जाए उसे ही हम संबंध कारक कहते हैं। और इसका पहला विभक्ति सूत्र ही हमें बता देगा कि संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। यहां मैंने लिखा है पहला सूत्र संबंधे षष्ठी, संबंधे षष्ठी मैंने लिख दिया है। और संबंधे षष्ठी का अर्थ क्या होता है? संबंध कारक में, संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। यदि परीक्षा में पूछ दे कि संबंधे षष्ठी, इस सूत्र की उदाहरण व्याख्या करें, पूछता है ऐसे ही, पूछता है किसी भी सूत्र को ले लेगा ऐसे ही पूछ देगा, तो हम क्या लिखेंगे? पहले संबंधे षष्ठी लिखेंगे, डैश करेंगे, इसके परिभाषा को लिख देंगे कि संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। फिर उदाहरण को लिखेंगे, यथा मम पुत्र प्रवर अस्ति, मेरा पुत्र प्रवर है, मम पुत्र प्रवर अस्ति। अब यहां बताना पड़ेगा आपको व्याख्या करने में कि मम में षष्ठी क्यों लगी है। मम पुत्र प्रवर है, पुत्र प्रवर है, लेकिन उसका संबंध किससे है? मुझसे है। और कर्ता का जिससे संबंध होगा उसमें षष्ठी होती है, इसलिए मम शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई है, ऐसे लिखेंगे। एक दूसरा उदाहरण है हमारे पास, इदम रामस्य गृहम अस्ति, इदम रामस्य गृहम अस्ति, यह राम का घर है, यह राम का घर है। किसका घर है? राम का घर, यह घर है, लेकिन घर किसका है? राम का है। राम से इसका संबंध बताया जा रहा है घर का, इसलिए जिससे संबंध बताया जाए, जिससे संबंध बताया जाए उसमें ही षष्ठी विभक्ति होती है। यहां भी मम पुत्र, पुत्र का संबंध किससे है? मुझसे है, इसलिए मम हुआ है, यहां षष्ठी विभक्ति हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र, दूसरा विभक्ति सूत्र है संबंध कारक का, षष्ठी हेतु प्रयोगे, षष्ठी हेतु प्रयोगे। कहता है कि जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है, हेतु, हेतु मीन्स कारण, जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है तब जो शब्द कारण या प्रयोजन रहता है, तब जो शब्द, जो कोई भी शब्द कारण हो या प्रयोजन हो, उसमें और हेतु दोनों में ही षष्ठी विभक्ति होती है। यथा मैंने लिखा है सह अल्पस्य हेतु बहु त्यजति, यहां अल्पस्य में भी षष्ठी लगी है और हेतु शब्द में भी षष्ठी लगी है, तो हेतु हो गया है। और यही सूत्र बता रहा है कि षष्ठी हेतु प्रयोगे, जब हेतु शब्द का प्रयोग होता है तब जो शब्द कारण या प्रयोजन रहता है, वह शब्द और हेतु शब्द दोनों में ही षष्ठी विभक्ति होती है। यथा सह अल्पस्य हेतु बहु त्यजति, वह थोड़े के लिए बहुत का त्याग करता है, वह थोड़े के लिए बहुत का त्याग करता है। और इस सूत्र के अनुसार हेतु शब्द में भी षष्ठी लगी है और जो प्रयोजन है वह बहुत का त्याग करता है। अल्पस्य हेतु, अल्पस्य अल्प शब्द में भी षष्ठी लगी है और हेतु शब्द में भी षष्ठी लगी है। आगे तीसरा विभक्ति सूत्र है संबंध कारक का, कर्त्री कर्मणो कृति,
कर्तृकर्मणोकृति, यह कहता है कि कृत प्रत्यांत जितने भी धातुएं हैं जिनमें जो है कृत प्रत्यय लगता है, कृत प्रत्यांत जो भी शब्द हैं, कृत प्रत्यांत आता है घए, कितीन, ऑन और त्रिच, ये प्रत्यय हैं। और कृत प्रत्यांत शब्दों में जो भी कृत प्रत्यांत शब्द होंगे उन शब्दों में कर्ता और कर्म में षष्ठी व्यक्ति होती है। यदि कृत प्रत्यांत शब्द आ जाएगा तो कृत प्रत्यांत शब्द जिसके योग में आएगा यानी उसके कर्ता में और उसके कर्म में दोनों में ही षष्ठी विभक्ति होती है। कर्ता में षष्ठी विभक्ति होती है और कर्म में भी षष्ठी विभक्ति होती है। यथा इयम कालिदासस्य कृति हस्ति, यह कालिदास की कृति है। या बालानाम रोदनम बलम, बालानाम रोदनम बलम, बच्चों का रोना ही बल है। और इस विभक्ति का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र जो परीक्षाओं में बार बार पूछता है वह है षष्ठी च अनादरे, षष्ठी च अनादरे। यह बताता है कि जिसका अनादर करके या जिसका तिरस्कार करके कोई काम किया जाए, उस अनादृत में जिसका अनादर हुआ है उसमें षष्ठी और विकल्प से सप्तमी विभक्ति भी होती है। षष्ठी चनादरे का परिभाषा क्या जान लिया हमने कि जिसका अनादर करके कोई काम किया जाए उस अनादृत में जिसका अनादर हुआ है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, विकल्प से सप्तमी विभक्ति भी हो जाती है। यथा रुदतः शिशोः माता जगाम, रोते हुए बालक को छोड़कर माता चली गई, या रुदतः शिशोः माता जगाम, रोते हुए बालक को छोड़कर माता चली गई, इन दोनों ही वाक्यों का एक ही अर्थ निकलेगा कि रोते हुए बालक को छोड़कर माता चली गई। इसमें शिशु शब्द में षष्ठी भी हुई है और यहाँ शिशु शब्द में सप्तमी हुई है। यहाँ शिशोः भी लिख सकते हैं और शिशौ भी लिख सकते हैं, यानी इसमें जब अनादर करके कोई काम किया जाए तो जिसका अनादर होगा उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों ही विभक्ति होती है। तो षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत, संबंध कारक के अंतर्गत यही ही इम्पोर्टेंट जो है आपके उपपद विभक्ति सूत्र हैं। यदि ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो आप इसे अवश्य लाइक करें, दूसरे बच्चे भी इससे लाभान्वित हों इसलिए आप इसे शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सर्वप्रथम मिलता रहे। अभी कारक प्रकरण के बाद मैं अनुवाद बनाना सरल ढंग से किस प्रकार से कैसे अनुवाद बना पाएंगे हम इसको सीखेंगे। इसके बाद हम पत्र लेखन और अनुच्छेद जो परीक्षा उपयोगी है उसके तरफ चलेंगे। तो इस वीडियो में मात्र इतना ही, हम लोगों ने षष्ठी विभक्ति का अध्ययन किया, अब इसके बाद हम सप्तमी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। फिर मिलते हैं सप्तमी विभक्ति के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।